हेलो एवरीवन, आज मैं पार्ट 5 लेके आई हूँ। स्टार्ट करती हूँ जीवों में जन्म का। अब यहाँ पे देखिए, मधुमक्खी श्रामिक रानी ड्रोन। ये क्या है? मधुमक्खी है। कौन सी? श्रामिक रानी ड्रोन। अब क्या करती है? ये लोग निषेचन करते हैं आपस में। क्या करते हैं? निषेचन करती हैं। ड्रोन क्या है? नर है। और नर वो क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन उनके होता है। समसूत्री विभाजन होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? न्यू जनरेशन ग्रोथ करते हैं। अब देखिए, जीव है दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें हैप्लॉयड, इसमें डिप्लॉयड होती है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब उसको आधे बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 हो जाते हैं, 23। घरेलू मक्खी में 24 होते हैं, हाफ बांटेंगे 12 हो जाते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी में 8 होते हैं, जब उसको हाफ बांटेंगे तो कितने रहेंगे? 4। मक्का में 40 होते हैं, और जब उसको हाफ बांटेंगे तो कितने रहेंगे? 20। इस तरह से ये चार्ट है, आपको लर्न कर लेना है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उसको क्रोमोसोम को आधा करेंगे, हाफ में करेंगे, तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो आपको ये याद रखना होगा। 46 का 23, 24 का 12, 8 का 4, 40 की 20 हो जाएंगे। अभी देखिए, युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर। निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक नया युग्मक तैयार बनाते हैं, नया न्यू जनरेशन बनाते हैं। अब देखिए, सेकंड निषेचन फर्टिलाइजेशन। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक मेल गैमेट व मादा युग्मक फीमेल गैमेट एक दूसरे संचालित होते हैं। मतलब क्या होता है? जो निषेचन जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो नर युग्मक जो होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, वो मादा युग्मक एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन या गैमेट फ्यूजन कहते हैं। उन दोनों के बीच जो प्रक्रिया होती है, उसे गैमेट फ्यूजन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मक डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। उसके बाद एक न्यू डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उनकी जो आपस में निषेचन प्रक्रिया जो होती है, उसके बाद क्या होता है? एक न्यू जनरेशन का क्या होता है? ग्रोथ होती है, जन्म होता है, नए जीव का जन्म होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम सिनोमी भी कहते हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अनिश्चित जनन क्या होता है? पैथोजेनेसिस क्या होता है? बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण अनिश्चित कहलाता है। मतलब बिना निषेचन के ही मादा से एक नए जीव का निर्माण होता है, वो क्या होता है? अनिषेक जनन कहलाता है। क्वेश्चन आता भी है, पूछ लिया जाता है कि बिना निषेचन के ही, मतलब मादा युग्मक से ही, सिर्फ मादा युग्मक उसमें भाग लेगी, उसी से एक नए जीव का निर्माण होता है। अब देखिए, युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर। थैल डे निषेचित पश्च घटना, इसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। युग्मक क्या है? जायगोट। ये क्या है? द्विगुणित, 2n। गुड़ है, इसको हम ग्रोथ भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये क्या करते हैं? युग्मक पहले जायगोट बनाता है, जायगोट के बाद गुड़ बनाता है, एम्ब्रॉय बनाता है, एम्ब्रॉय के बाद वो एक नया संतान या न्यू जनरेशन, न्यू डॉटर बन जाते हैं। अंडप्रजक्त प्राणी ओविपोरस एनिमल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपके आते हैं। ओविपोरस एनिमल क्या है? तो ये आपको लर्न करने होंगे अच्छे से। ऐसे प्राणी जो निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, ऐसे प्राणी जो निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, जो कैल्शियम युक्त भी होते हैं। कैसे होते हैं? कैल्शियम, जैसे मधुमक्खी है, उससे क्या होते हैं? अनिषेचित या दोनों प्रकार का अंडा देता है। ये दोनों प्रकार के अंडे देते हैं, निषेचित भी देते हैं और अनिषेचित भी देते हैं। सजीव प्रजक प्राणी कौन से होते हैं? विविपेरस एनिमल होते हैं, वे जो बच्चे पैदा करते हैं। सजीव प्रजक प्राणी अच्छा रहता है, विविपेरस एनिमल। सजीव प्रजक प्राणी कौन से होते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं। आज के लिए इतना ही, और आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मैं आपको सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बोलते हैं, थैंक यू।